गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोकोमोटिव का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो दिसंबर 2017 में पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन गोज एज द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू ए इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। तो यहाँ पे लोकोमोटिव इंजन जो यूज हुआ है वो कैसा लोकोमोटिव है, तो इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव है। दैट मीन्स आपके जो लोकोमोटिव के, दैट मीन्स ट्रेन के दो व्हील्स होंगे, उन दो व्हील्स के बीच में सिलेंडर्स होंगे। ये दो सिलेंडर्स आपके दो व्हील्स के बीच में होंगे। ऐसे सिलेंडर अरेंजमेंट को हम इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव कहते हैं। ओके, जिसमें मास ऑफ द रिसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इज 36 kgs एंड द रिवॉल्विंग मास आर 16 kgs। रेसिप्रोकेटिंग एंड रिवॉल्विंग दोनों मास का इंक्लूजन किया गया है। दैट मीन्स याद रखना, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे मास का, तब हमें दोनों मास को इंटू आवर एग्जिस्टेंस या सम में ध्यान में लेना होगा। ओके, और हमें क्या बताया गया है, द पिच ऑफ द सिलेंडर इज 700 m। दैट मीन्स ये जो दो सिलेंडर का बीच का डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को क्या बोला गया है, पिच बोला गया है, और वो कितनी है, 700 mm। उसे हम स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एंगल बिटवीन द क्रैंक इज 90 डिग्री। वो तो हर लोकोमोटिव में सेम होता है, दो सिलेंडर्स के क्रैंक के एंगल का बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेंथ ऑफ द ईच क्रैंक इज 320 mm। अबे क्रैंक की लेंथ बोली गई है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा रेडियस होगा आर, जो कितनी है, 320 mm, और एल्स हम इसे 0.32 मीटर्स भी बता सकते हैं। इसके अलावा व्हील का डायामीटर किसका, हमारे जो लोकोमोटिव के ये व्हील्स हैं, इस व्हील का डायामीटर इन लोगों ने कितना बताया, 1900 mm। तो व्हील का रेडियस हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1900 डिवाइड बाई 2, यो जो हमने यहाँ पे कर रखा है ये। चलो वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द व्हील, दैट मीन्स इन दोनों व्हील के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस भी हमें बताया गया है, जो कितना है, 1800 mm है, जिसे हम 1.8 मीटर्स बता सकते हैं। देखो ये डिफरेंस है पिच ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स सिलेंडर के बीच का डिस्टेंस और व्हील के बीच का डिस्टेंस दोनों अलग अलग दिए रहेंगे। व्हील के बीच के डिस्टेंस को जनरली स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स ये 1800 क्या है, हमारे व्हील के बीच का डिस्टेंस है। ओके, और हमें लिमिटिंग स्पीड दी गई है ऑफ लोकोमोटिव 100 किलोमीटर पर आवर। अबे ये लिमिटिंग स्पीड है वो हमें वी दिया गया है, हमें एंगुलर लिमिटिंग स्पीड नहीं बोला गया। दैट मीन्स ओमेगा डायरेक्टली नहीं दिया गया, इन लोगों ने वी दिया है जिस पर से हमें ओमेगा निकालना होगा। इसके अलावा इन लोगों ने क्या कहा है, इफ द रिवॉल्विंग मासेस एंड 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मासेस आर टू बी बैलेंस, दैट मीन्स सारे के सारे रिवॉल्विंग मासेस, और जैसा कि हमें पता है कि रेसिप्रोकेटिंग मासेस ओनली पार्शियली बैलेंस होते हैं, तो कितना बैलेंस करना है, 2/3 ही बैलेंस करना है हमें रेसिप्रोकेटिंग मासेस को। ओके, और हमें निकालना क्या है, तो वेरिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मैक्सिमम स्वेइंग कपल एंड हैमर ब्लो, ये तीन चीजें हमें मेन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में डाटा पढ़ा उसे सिंपल फॉर्म में, गिवन डाटा के रूप में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल मास निकालेंगे। मैंने पहले भी बोला था यहाँ पे रिवॉल्विंग एंड रेसिप्रोकेटिंग दोनों मास का जिक्र किया गया है, और हम दोनों के सबमिशन को लेकर एक टोटल मास गिनेंगे। ओके, जिसे हम एम कहेंगे। वो कैसे निकाला है मैंने, तो रिवॉल्विंग मासेस हमें पूरे के पूरे लेने हैं और रेसिप्रोकेटिंग मासेस का 2/3 पोर्शन ही लेना है, क्योंकि वो पार्शियली बैलेंस हो रहे हैं। दैट मीन्स रिवॉल्विंग मासेस कितने थे, 16 प्लस 2/3 इनटू रेसिप्रोकेटिंग मासेस जो कितने हैं, 36। तो हमें टोटल मास एम वो कितना मिलता है, 40 kgs मिलता है। क्रैंक रेडियस, इन लोगों ने क्रैंक लेंथ बोला था, वो कितना है, 320 mm और 0.32 मीटर्स। ओके, व्हील का रेडियस इन लोगों ने 1900 mm दिखा दिया था, उसे डिवाइड बाय 2 करें, डायमीटर दिखाया था उसे डिवाइड बाय 2 करें तो रेडियस मिलेगा, जो हम डिवाइड बाय 1000 करके मीटर में ले लेंगे, 0.95 मीटर्स। अब जो एल है वो एल क्या है, दो सिलेंडर के बीच का डिस्टेंस है, और ए क्या है, दो लोकोमोटिव के व्हील के बीच का डिस्टेंस है। और इस डाटा की मदद से हम सबसे पहले अपना एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे। चलो देखते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पे अपना एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है, जिसमें बाहर एक्सटर्नली व्हील 1 एंड व्हील 2 दिखाए रखे हैं,
बीच में मैंने यहाँ पे ये सिलेंडर वन और ये सिलेंडर टू, क्योंकि ये इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव इंजन का सम है। अब और क्या दिखाया रखा था कि दो सिलेंडर के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.7 मीटर और दो व्हील के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.8 मीटर, ये दोनों मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर मैं a माइनस एल करूँ तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस मुझे मिल सकता है, तो a माइनस एल डिवाइड बाई टू करूँगा तो यहाँ के दो इक्वल डिस्टेंस मिल जाएंगे जो कितने हैं 0.55 मीटर्स के। और ये स्केमेटिक डायग्राम हमें प्लेन के डिस्टेंस के लेंथ या प्लेन के डिस्टेंस को मेजर करने में काम आएगा, जो हमें कपल फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो इन सारे डाटा की मदद से सबसे हम पहले डाटा टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे गिने हुए 7 कॉलम्स मौजूद होंगे, प्लेन, मास, रेडियस, मास इंटू रेडियस करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा, देन फोर्स को हम उनके रेफरेंस प्लेन के लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो कपल मिल जाएगा, और लास्ट हमारा क्रैंक पोजिशन का एंगल, दैट मीन्स थीटा का कॉलम, वो मैंने फिल आउट कर दिया है। अब देखो व्हील का ना तो हमें मास दिया गया है ना तो रेडियस दिया गया है, और मैंने प्लेन ए को और प्लेन डी को, वो हमारे दो आउटर व्हील्स को अलग अलग प्लेन का नाम दिया है, अंदर के दो सिलेंडर्स को प्लेन बी और प्लेन सी कहा है मैंने। ओके, तो हमारे पास टोटल 4 प्लेन है, पहला प्लेन ए फर्स्ट व्हील का, प्लेन बी फर्स्ट सिलेंडर का, प्लेन सी सेकंड सिलेंडर का, एंड प्लेन डी वो सेकंड व्हील का। ओके, अब हमारे पास व्हील के ना तो मास ना तो रेडियस दिए गए हैं, तो हमारा जो हम रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करेंगे, हमने पहले भी बैलेंसिंग में देखा था हम रेफरेंस प्लेन अननोन मासेस पर ही सिलेक्ट करते हैं, तो या तो हमें फर्स्ट सिलेंडर पर रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करना होगा या तो सेकेंड व्हील पर। अब फर्स्ट व्हील पर अगर हम रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करें तो राइट साइड में बाकी सारे प्लेन्स आएंगे, दैट मीन्स सारे प्लेन्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, इसीलिए मैंने फर्स्ट व्हील के प्लेन ए को अपना रेफरेंस प्लेन माना है, तो सारे डिस्टेंस मेरे पॉजिटिव आ जाते हैं। तो यहाँ पे एल जो लेंथ है वो रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में मेरी लेंथ होगी, जो पहले के लिए 0, देन प्लेन बी के लिए 0.55 मीटर्स, प्लेन सी के लिए इन दोनों का एडिशन जो कितना हो रहा है 1.25 मीटर्स, और लास्ट प्लेन डी के लिए ये टोटल डिस्टेंस 1.8 मीटर। और क्रैंक एंगल पता है दो सिलेंडर्स के बीच का कितना होता है 90 डिग्री, तो एक 0 पे होगा एक 90 पे होगा, बाकी दो व्हील्स का हमारे पास एंगल भी नहीं है। ओके, तो हमारे पास अब हम अगर कपल के एनालिसिस देखें और फोर्स के एनालिसिस देखें, तो कपल के एनालिसिस में सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है, जबकि फोर्स के एनालिसिस में हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो हमारा एक अननोन वेरिएबल कपल पॉलीगॉन से फाइंड आउट करना इजी होगा, ये हमने पहले भी सीखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कपल पॉलीगॉन बनाएंगे, और कपल पॉलीगॉन के लिए हमें क्रैंक पोजीशंस देखनी जरूरी है। तो मैंने अपने दो सिलेंडर्स का क्रैंक पोजीशन एंगल बना दिया जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ओके, और इस पर से ही मैंने क्या बनाया, अपना कपल पॉलीगॉन बनाया। यहाँ पे मैंने स्केल क्या ली है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.67 kg into meter square, तो फिर 16 kg into meter square विल बी 6 सेंटीमीटर एंड 7.04 विल बी 2.64 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले ए वाला जो प्लेन है उसका कपल कितना है 0, तो वो हम नहीं बनाएंगे। बी वाला जो प्लेन है उसका कितना है 7.04, जो कितना होगा 2.64 सेंटीमीटर, और बी वाला प्लेन कितने डिग्री पे है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे मैं 2.64 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ। देन हमारे सी के प्लेन का मैग्नीट्यूड, कपल का मैग्नीट्यूड 16 kg into meter square है, जो स्केल के हिसाब से 6 सेंटीमीटर होता है, और उसका क्रैंक पोजीशन 90 डिग्री पे है, तो इधर से मैं 90 डिग्री पे 6 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करूंगा कपल ऑफ प्लेन सी। तो अब जो ओ एंड बी ये दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो वो मुझे क्या रिजल्ट में देंगे, मेरा कपल ऑफ पॉइंट डी देंगे, कपल ऑफ प्लेन डी देंगे, जो कितना था एम बी आर बी इंटू 1.8, और ये ड्रॉ करने पर मुझे 6.6 सेंटीमीटर्स मिलता है। ओके, तो इस कपल पॉलीगॉन के मदद से हमें क्या जानने को मिला, वो एनालिसिस देखें। तो हमें क्या जानने को मिला कि हमारा जो कपल था प्लेन डी में वो इक्वल था एम बी आर बी इंटू 1.8 के, जो कितना निकला है 6.6 सेंटीमीटर इंटू, मैंने यहाँ पे उसका स्केल मल्टीप्लाई की है, तो अल्टीमेटली
प्लेन डी पर जो कपल होगा वो कितना मिलेगा हमें, 7.62 मिलेगा। पर हमें क्या चाहिए था, एम बी आर बी चाहिए था। वो क्यों चाहिए था, तो ये हैमर ब्लो का इफेक्ट है, उसका फॉर्मूला है एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें एम बी आर बी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम यहाँ से एम बी आर बी कैसे निकालते हैं, 1.8 को वहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एम बी आर बी कितना मिलता है, 9.79। ओके, इसके अलावा हमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू चाहिए जो तीनों फाइंड आउट करने में काम आएगी, जो क्या है, ओमेगा। वेरी गुड, ओमेगा हमें फाइंड करना है। तो ओमेगा के लिए हमारे पास वी दिया गया था क्वेश्चन में, जो कितना था, 100 किलोमीटर पर आर। तो अब हमें इसे पहले तो अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स जो क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो किलोमीटर को मीटर करने के लिए 10 × 10³, और आवर्स को सेकेंड करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दिया, तो हमें हमारी वेलोसिटी 27.78 मीटर पर सेकेंड मिल गई। अब ये वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी को हम लीनियर मेजरमेंट कहते हैं, जबकि हमें इस सम के लिए एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, जो क्या होती है, ओमेगा होती है। और जो कैसे मिलती है, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय आर से मिलती है। खास ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये आर यूज होगा वो रेडियस ऑफ व्हील होगा, क्रैंक का रेडियस नहीं होगा। जो रेडियस ऑफ व्हील कैसे निकला था, तो हमने देखा था कि 1900 वो डायामीटर था व्हील का, उसे हमें डिवाइड किया था 2 से, तो 950 mm मिला था। ये रेडियस था व्हील का, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे 0.95 लिया है। ओके, तो हमें ओमेगा कितना मिल जाएगा, 29.23, और ये एंगुलर है, दैट मीन्स रेडियन पर सेकेंड में होगा। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने अभी तक निकाली, एम बी आर बी और ओमेगा, इन सब की मदद से हम हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। जो पहला क्या है, हैमर ब्लो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। तो एम बी आर बी की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 9.79 इनटू ये जो ओमेगा मिला उसका स्क्वायर कर दें, तो हमें हैमर ब्लो इफेक्ट मिल गया, वो जो कितना है, 8364.5 न्यूटन। इसके अलावा सेकेंड हमें क्या निकालना था, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट में 2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस सी। ये क्या है, एम, ये टोटल मास होगा फ्रेंड्स, रिवॉल्विंग एंड रेसिप्रोकेटिंग दोनों का मिक्स, जो कितना निकला था, 40 kg। ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला 20.23। आर यहाँ पे हम रेडियस ऑफ क्रैंक यूज करेंगे। ओके, सिर्फ हमें व्हील का रेडियस कहाँ यूज करना है, ओमेगा निकालने के लिए, बाकी सारी जगह हम आर की जगह क्या डालेंगे, रेडियस ऑफ क्रैंक डालेंगे, जो कितना था, 0.32। ब्रैकेट में ये सी कितना है, कांस्टेंट है, जो रेसिप्रोकेटिंग मासेस को पार्शियली बैलेंस करता है, जो कितना था, 2/3। अल्टीमेटली इसके कैलकुलेशन पे हमें एफ टी कितना मिल जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स 5155.38। और लास्ट हमारा स्वेइंग कपल सी एस, जिसका फॉर्मूला, स्वेइंग कपल हमें मैक्सिमम निकालना था, मैक्सिमम निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ही निकाला है, माइनस नहीं निकाला। माइनस कब होता है, जब वो मिनिमम होता है। मैक्सिमम स्वेइंग कपल कब जो होगा, जब यहाँ पे प्लस वैल्यूज होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा। फॉर्मूला क्या होगा, एल अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस सी। ये एल क्या होगा, तो आपके दो सिलेंडर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका एल होगा। मैंने स्टार्टिंग में भी नोटेशन दी थी, इंग्लिश स्मॉल अल्फाबेट एल, वो होगा हमारा दो सिलेंडर के बीच का डिस्टेंस, जो था 700 mm और एल्स 0.7 meters डिवाइड बाय रूट 2। यहाँ पे जो एम ओमेगा स्क्वायर आर था, वही एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1 माइनस सी यहाँ भी यूज होगा, और उससे हमारा स्वेइंग कपल की वैल्यू मिल जाएगी, जो कितनी मिलती है, 1084.3। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।